दोस्तों, तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी, पसीना यानी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम का सबसे ज़्यादा मार हमारी त्वचा को ही झेलना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि गर्मियों में त्वचा का ध्यान रखा जाए। धूप की तेज किरणें, धूल मिट्टी, पसीना और प्रदूषण त्वचा की कई समस्याओं को जन्म देते हैं। गर्मी का मौसम आते ही पसीना, खुजली, काच, शरीर में लाल दाने और न जाने कितने प्रकार की समस्याएँ शुरू होने लगती है, और इनको दूर करने के लिए हम महंगे से महंगे क्रीम का भी यूज करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्वचा से जुड़ी कई तरह के समस्याओं को ठीक करने वाला एक बेहतरीन पाउडर कैंडिन डस्टिंग पाउडर के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, जैसे कि इसके फायदे क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसका यूज कैसे करें, यह पाउडर कौन से कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इस पाउडर का कंपोजिशन क्या क्या है और इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कैंडिड डस्टिंग पाउडर को ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये एक एंटी फंगल दवा है। अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोट्रिमेजोल और टेल्का बेस IP होता है। अब हम लोग इसके यूजेज के बारे में जानते हैं कि किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कैंडिंग डस्टिंग पाउडर को दिया जाता है। तो दोस्तों, पसीने और नमी के कारण शरीर के स्किन में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस पाउडर का यूज किया जाता है। अगर त्वचा के किसी भी अंग में खुजली हो रही है तो इस पाउडर का यूज आपके लिए लाभदायक होगा। अंडर आर्म्स यानी कांख में, भीतरी जांघों में, कमर में और पैरों में खुजली या फिर जलन का इलाज करने के लिए यह पाउडर मदद करता है। शरीर के त्वचा में जलन जैसे लालिमा, चकते, दाद और सूजन से राहत पाने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ, गर्दन और कंधे की घमरियों को ठीक करने के लिए यह पाउडर बहुत ही कारगर है। पुरुषों के लिंग में हुए फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस पाउडर का यूज किया जा सकता है। साथ ही ये पाउडर शरीर को सूखा और साफ रखकर फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, और गर्मी और पसीना के कारण त्वचा में लाल छोटे छोटे दाने होने लगते हैं और ये दाने धीरे धीरे फैलने भी लगते हैं, जिससे खुजली भी होने लगती है। तो इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए यह पाउडर का यूज फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, नॉर्मली इस पाउडर के इतने सारे यूजेस थे। अब हम लोग कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से इसका यूज केवल बाहरी जगहों पर ही करें। अब हम लोग इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जिस जगह पर आपको यह पाउडर लगाना है उस जगह को अच्छे से साफ़ करके सूखने दें, फिर उस पाउडर को वहाँ पर छिड़के और थपथपाएं। साफ़ करने के लिए आप नॉर्मल पानी से कर सकते हैं या फिर साबुन का भी यूज कर सकते हैं। आपको प्रभावित हिस्सों पर 2 से 4 दिनों में ही सुधार दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर 10 दिन के यूज करने के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हाँ, अगर आप बच्चों के स्किन के प्रॉब्लम के लिए इस पाउडर का यूज कर रहे हैं तो आपको खुद से ही बच्चों को ये पाउडर लगाना चाहिए, और साथ में बच्चों पर निगरानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कभी भी इस पाउडर को छूकर गलती से मुंह पर, आंख पर या नाक में टच कर सकता है, जिस कारण और दूसरी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। और अब हम लोग कैंडिड डस्टिंग पाउडर के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 125 रुपया पर 100 ग्राम है। ये आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट के साथ भी मिल सकता है। दोस्तों, ये पाउडर छोटे और बड़े साइजों में मिलता है, और साइज और पाउडर के वजन के अनुसार इसका प्राइस भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।